हे गाइस, मैं आपके साथ दिया और मैं भास्कर और हम स्वागत करते हैं आपका अपने पॉपुलर शो बॉली टॉक्स में। तो आज हमारे साथ है एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों से कई लोगों का भविष्य जाना है। तो आज हम इन्हें अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं और जानेंगे कुछ बॉलीवुड के सितारों के भविष्य के बारे में कि किनकी मूवीज अब आगे चलने वाली है और किसकी नहीं। जी हाँ, इससे पहले कि हम अपने सवालों को दागे, हम आपसे रूबरू कराना चाहते हैं सर विवेक त्रिपाठी जी के साथ। और विवेक सर जो हैं वो काफ़ी समय से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर हैं और बड़े बड़े अनुमान और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत उपलब्धि भी प्राप्त की और उसके साथ साथ काफ़ी भविष्यवाणी भी की है, खासकर की फिल्म जगत को लेकर भी। तो आज के हमारे जितने बड़े सवाल हैं आज हम सर से पूछेंगे। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछना चाहती हूँ सर आपसे अक्षय कुमार के बारे में। तो अक्षय कुमार की जैसे हाल ही में एक मूवी आई है मिशन रानीगंज, और देखा जाए तो ये मूवी अपना कुछ खास असर नहीं दिखा पा रही है। देखा जाए तो लोग इसे देखने नहीं जा रहे और कमाई भी पहले दिन की बहुत ही कम इस फिल्म ने की। तो इनका जरा भविष्य बताइए कि आने वाली फिल्म इनकी चलेगी नहीं चलेगी, और मिशन रानीगंज क्या अपना कमाल दिखा पाएगी या ये ऐसे ही सिनेमाघरों में फीकी पड़ी रह जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अक्षय कुमार का जो सिग्नेचर है मेरे सामने, और मैं दर्शकों को भी दिखा दूं, उनके सिग्नेचर में जो अक्षय कुमार का सिग्नेचर है आप साफ साफ यहाँ पे पढ़ सकते हैं अक्षय लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद चीज़ें मिसिंग है, नहीं लिखा हुआ है। और ये सिग्नेचर जो है ये मंगल प्रधान सिग्नेचर है, और अभी जो इनका वर्तमान चल रहा है वो उम्र का चल रहा है 59 ये सिग्नेचर है, और 59 इनका अच्छा नहीं है। और जब अभी जो भी फिल्में आएंगी इनकी उतनी खास नहीं चलने वाली, तो जितना इनका अनुमान है अच्छा चलने का या जो बजट इन्होंने सोचा होगा जो पैसा लगाया वो नहीं निकलेगी, लागत नहीं निकलेगी, या इनके अकॉर्डिंग वो पैसा नहीं आने वाला है, कुल मिलाकर के पिक्चरें नहीं चलने वाली अक्षय कुमार की। और जब तक इनकी उम्र का 59 चलेगा सिग्नेचर में जो साफ साफ दिख रहा है, तब तक इनका समय अच्छा नहीं, आफ्टर 59 समय बहुत अच्छा है। तो अक्षय कुमार के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है कि आने वाली शायद उनकी फिल्में ना चले, पर हो सकता है उनका ये फेज जैसी आगे टल जाए तो हो सकता है उनका फ्यूचर हमें उनके स्टारडम की तरह ब्राइट नजर आए। तो वहीं अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो अरे रुको रुको रुको, वो सवाल तो मैं ही पूछूंगा। लो पूछ लो। तो बात करें बॉलीवुड के बादशाह की, हाल ही में पठान चली बहुत ज्यादा, जवान चली, अब आने वाला है उन पे एक बड़ी विपदी, और वो क्यों है, वो कैसे है, वो इसका एक छोटा सा शॉर्ट मैं आपको बता दूं। उसका कारण ये है कि 2019 में उनकी फिल्म आई थी जीरो, और उसके साथ ही रिलीज हुई प्रशांत नील की डायरेक्टेड फिल्म KGF, और उस फिल्म का क्लैश क्रिसमस में हुआ और शाहरुख खान की फिल्म जीरो धराशाय हो गई। और इस क्रिसमस में वो चीज, वो हिस्ट्री वापस रिपीट हो सकती है जब प्रशांत नील की अब नई फिल्म के साथ सलार रिलीज हो रही है, और उसके साथ राजकुमार हिरानी के साथ आ रही डंकी फिल्म शाहरुख खान की रिलीज हो रही है। तो सर आपसे ये सवाल है हमारा भी और शायद शाहरुख के हर एक फैन का भी कि क्या डंकी शाहरुख की जो अगली फिल्म है वो पठान जवान की तरह चल पाएगी, और शाहरुख का फ्यूचर क्या बताता है। साईं जी, अभी जो इनके जो एज है शाहरुख खान की वो रनिंग 59 है, और सिग्नेचर में भी आप देखिए जो 59 की अवस्था वो आर वाली एज है, आप आर को देख सकते हैं कि कितना स्ट्रांग सिग्नेचर यहाँ पर बनाया हुआ है। जो समय इनका खराब था वो बीत गया है, अभी ये टॉप पेज रहेंगे, आने वाले कम से कम 2.5 साल इनके बहुत अच्छे हैं शाहरुख खान के, उसके बाद फिर थोड़ा सा अवसान होगा, लेकिन बात चूंकि डंकी की हम कर रहे हैं तो ये फिल्म इनकी वापस चलेगी पठान और जवान की तरह, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो शाहरुख खान के फैन निराश ना हो, उनको अच्छी खबर मिलने वाली है और फिल्म चलेगी। तो शाहरुख खान की तरफ से हमें सुनने को मिलता है कि बॉलीवुड के बादशाह का अच्छा अच्छा समय अभी बरकरार रहने वाला है। कमेंट करके जरूर बताएं कि ये सुन के आपका क्या रिएक्शन है। तो बात कर रहे थे हम शाहरुख खान के बारे में, और शाहरुख खान के मुंह बोले भाई कौन लगते हैं, सलमान खान। जी हाँ, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सबके चहीते तो वो सालों से रहे हैं, चॉकलेट बॉय एरा से लेके एक्शन सब किया है उन्होंने, पर उनकी हाल ही में फिल्म जो है वो थोड़ा बहुत डगमगा रही है। हम देख सकते हैं अंतिम आई लॉकडाउन के बाद वो नहीं चली, और फिर किसी का भाई किसी की जान ईद पे आई, वो फिल्म थोड़ा बहुत 100 करोड़ पार तो की, पर जितना उम्मीद लगाया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था, उतनी नहीं कमा पाई। अब उनकी आने वाली फिल्म उनकी टाइगर 3 है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल मचा पाती है, सिनेमा घरों में धमाल मचा पाती है, और लोगों के दिलों में क्या जगह बना पाती है। तो ये जानने के लिए अब हम सवाल करते हैं पंडित जी से। तो बताइए आप इनके बारे में कि क्या इनकी फिल्म चल पाती है। देखिए सलमान खान की जो भी फिल्म आने वाली है
वो उनकी उम्र के 59 में, यानी कि 59 अभी उनका चल रहा है, इसमें आने वाली है। और 59 का जो अभी इनकी जो अवस्था है वो ये वाली है, थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेड सफलता है वो इनको नहीं मिलने वाली 59 की एज में। और आप देखेंगे 59 में जितने भी इनकी फिल्में आई वो खास करिश्मा नहीं कर पाई, और ये भी आने वाली 59 में तो निश्चित रूप से ये उतना नहीं चलेगी जैसे टाइगर रिटर्न्स चली, वैसे ये नहीं चलने वाली। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो फ्लॉप हो जाएगी, अपना लागत तो निकाल लेगी अच्छी। अच्छा जो कहा जाए जैसे पठान चल गई वैसा इसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चल जाएगी, लेकिन हाँ टाइगर जो दोनों फिल्में टाइगर वाली आई हैं, टाइगर रिटर्न्स टाइगर, तो उतना ये व्यापार नहीं कर पाएगी। और लेकिन अपनी लागत जरूर निकाल लेगी। फिर भी इतना कहूँगा 59 क्रॉस होने के बाद सलमान खान फिर से एक जिसको कहते हैं सुल्तान बन जाएंगे फिल्म के जगत में। तो देखा आप सभी ने कि क्या कहा गया सलमान खान को लेकर, उनकी टाइगर 3 इतना नहीं चल पाएगी लेकिन आगे आने वाली फिल्म में उनका धमाल मचा सकती है। और साथ ही लेकिन ऐसा भी नहीं है ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, चलेगी तो खैर ये भी अपनी कमाई तो खैर निकाल ही लेगी, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल, और हमारे बॉलीवुड के तीनों बड़े स्टार्स के बारे में हमें मालूम पड़ा कि उनकी आने वाली फिल्म्स और उनकी करंट में रिलीज हुई फिल्म्स चलेंगी कि नहीं चलेंगी। और आपका क्या अनुमान है, आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर करके बताएं। और सबसे पहले तो आखिरी में मैं धन्यवाद बिल्कुल देना चाहूँगा पंडित जी का, विवेक जी धन्यवाद हमारे साथ आज बने रहने के लिए। अगर आप लोगों को भी अपने बारे में जानना है तो इनकी आईडी डिस्क्रिप्शन में हम ज़रूर मेंशन कर देंगे ताकि आप सर से डायरेक्टली कनेक्ट होकर अपनी जो विडंबनाएँ हैं जो दिक्कतें हैं वो हल करने के लिए अग्रसर हो पाएँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, पर ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए, लाइव रिएक्शंस के लिए, तड़कती भड़कती लेटेस्ट अपडेट्स डेट्स के लिए और इंटरव्यूज के लिए देखते रहे हमारा पॉपुलर शो बॉली टॉक्स को।